हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सुबह के 9:50 मैं निकल चुका हूँ। मेरे को बहुत काम है यार। आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, कल है हमारी राइड वाइजैक की तरफ। एंड आज बहुत सारा काम है मेरे को। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, इसमें PPF करवाना है, पीछे के एरिया में PPF करवाना है, बाइक वॉश करवानी है, बाइक का चेकअप भी करवाना है, इसका इंजन ऑयल एंड कूलेंट का लेवल, क्योंकि यार आना जाना मिला के 1000 किलोमीटर्स है, तो ऐसे बिना चेक करके लेके जाना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। तो एक बार चेक करा लेंगे। पीछे मैं जब लास्ट सर्विस में अपना जब सर्विस करवाया था बाइक का, तो उसमें जो कूलेंट टॉप अप किया था तो मेरे पास कूलेंट का बॉटल है, जो इंजन ऑयल टॉप अप हुआ था तो इंजन ऑयल भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो दोनों लेके मैं आ चुका हूँ बैग में। अरे 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 अरे, तो दोनों मैं अपने बैग में ला चुका हूँ। अभी पहले मैं इसका PPF का काम कराऊंगा, क्योंकि PPF में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड उसके बाद वॉश कराऊंगा, क्योंकि PPF जो करेगा ना वो इसको अच्छे से क्लीन कर देगा जहाँ PPF होने का है। तो उसके बाद वॉश करा लूँगा, एंड उसके बाद शोरूम जाना पड़ेगा। आगे मेरे को स्वागत भी ज्वाइन करेगा बोला है, निकला ही नहीं होगा। एंड अभी सुबह के टाइम इतनी सारी ट्रैफिक, यार क्या करें, ट्रैफिक के टाइम निकलना ही पड़ गया। चलो ना भाई। एंड हमारे ग्रुप में आप सोच नहीं सकते, लोग इतने एक्साइटेड है जाने के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार अकेले जाने में तो मज़ा है, मतलब मज़ा है लेकिन इतना नहीं है, मज़ा है लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो ना तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। एंड मेरे को एक बात की खुशी है कि अच्छा है साहिब भाई आ रहे हैं, उनके बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बाकी किसी के एग्जॉस्ट नहीं है। तो अगर किसी का भी एग्जॉस्ट नहीं होता तो थोड़ा सा मेरे को टेंशन आया था, भाई पुलिस वाले कहीं रहते हैं तो देखते हैं, कोई बाइक में साउंड नहीं आ रहा, इसमें क्यों साउंड आ रहा है। भाई अच्छा है साहिब भाई भी जा रहे हैं, उनका तो स्कॉर्पियन लगा है, वो भी मेरे इतना ही लाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड भाई आगे बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है यार, यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये जाम भयंकर, बाइक एकदम हीट हो जाएगी। सुबह के टाइम यहाँ जाम बहुत रहता है। चेंज रूट चेंज करो। एंड देखो भाई बादल सब क्लियर हो चुके हैं, थोड़ा सा है पैच एक दिख रहा है आगे की तरफ, लेकिन बारिश मेरे को लगता है खत्म हो चुकी है। वाइजैक में मैंने आज भी फोन करके पता किया था, बारिश तो नहीं थी। अब बाकी भाई अगर जाने के टाइम बारिश हो गई तो अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कंट्रोल थोड़ा ना कर सकते हो वेदर को। अंदर से रास्ता है, आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउंड बहुत इको करती है, घर एकदम लग लग के है ना, तो इसे साउंड बहुत इको करेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। खींचना है भाई, NH पे खींचो, हाईवे पे खींचो, लेकिन ये सब गली में खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में अटेंशन ग्रैब करके सेफ भी नहीं होता है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस भाई मेरे को इसका पॉल्यूशन भी कराना है, मैं तो भूल ही गया एकदम, इंटर स्टेट ट्रैवल है, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, नॉर्मल टाइम भी नहीं, अगर कोविड नहीं हो रहा होता तो कोई मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं लगता, लेकिन अभी तो कोविड भी चल रहा है ना, तो पेपर्स वगैरह सब साथ में ठीक होने चाहिए, कहीं भाई पकड़ लिया तो पॉल्यूशन का बड़ा चलान होता है। मेरे पास अभी 1:30 तक का टाइम है, बाकी मेरे को घर में पैकिंग वगैरह भी करनी है, सब करना है। आज ये वीडियो आप बनाऊँगा, इसको अपलोड एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा। भाई आज काम मतलब भयंकर काम है यार, वीडियो की मैं इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हूँ, एवरी डे ट्राई कर रहा हूँ एक एक वीडियो डालने का, 7 डेज में कम से कम 5 वीडियोज डालने का तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, 5 नहीं हो तो 4 तो आए। तो भाई लोग आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दो, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं करे हो तो शेयर वेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मोटिवेशन मिलेगा। अभी जितना मेहनत चल रहा है और मेहनत करेंगे, फिर डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देंगे। मैं कल अपना वो एंजल व्लॉग वाला टी शर्ट पहन के गया था राइड पे, सुबह आने के टाइम टी शर्ट पूरी भीग गई। अच्छा वैसे भी, अरे भाई साहब एकदम खराब रोड है यहाँ पे, तो आने के टाइम वो टी शर्ट ही भीग गई। एंड वैसे भी उसको धोनी ही थी मेरे को, क्योंकि नई टी शर्ट में से कैसी से एक स्मेल आती है, तो अच्छा है उसको भी मैंने धोने में डाल दिया है, वो अभी सूखने में है, सूख जाएगी कल तक, एंड कल उसी को पहन के हम लोग निकलेंगे। चलो राइड से पहले प्रेशर भी चेक ही करा लेते हैं एक बार, 39.42। सो अभी मैक्सिमम काम खत्म हो गया, पेट्रोल भी भरा लिया हूँ रात में एक बार और लग, अगर 39 ना कहते थे चंती 39 तो था 39 की जगह 28। अभी हम लोग आए हुए हैं मार्ट्स की तरफ, पीछे देख सकते हो मार्ट्स, एंड यहाँ पे बाइक का रैपिंग का काम चल रहा है। जैसे अभी आप लोग ने देखा बाइक का रैप चल रहा है, टैंक पूरा रैप हो रहा है, एंड उसके साथ पीछे का जो टेल सेक्शन है वो भी रैप होगा, क्योंकि वहाँ पे लगेगा लगेज, है ना। काम बढ़िया हो रहा है, हाँ ये इधर चल रहा है काम, अभी टैंक बस खत्म ही होने वाला है, 10-15 मिनट का काम है टैंक का,
एंड उसके बाद ये वाला हो गया पूरा रैप होगा भाई लोग, काम हो गया डन ठीक है। लेकिन अभी भी शोरूम का काम बाकी है, तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ ये रैपिंग वगैरह हुई है। ओके से ना बैटरी लेवल लो है, कोई नहीं आज चार्ज में लगा देंगे। अभी निकलना है शोरूम जाना है, टाइम अपडेट 12:32। गर्मी बहुत तेज है, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। ओहो जल गया जल गया जल गया। ओहो किधर से निकालूं, उधर से निकाल लेता हूं। आगे आगे रुक रहा हूं और रास्ते के बीच में और नो मोटर व्लॉगिंग है, मेरा हालत खराब हो रहा है गर्मी से। बीच में बारिश हो रही थी एंड अभी जब गर्मी स्टार्ट हुई, बारिश रुकी तो ऐसी गर्मी पड़ रही है यार, समर्स में जैसी गर्मी होती है पूरी वैसी। ठीक है ना, अब कावासाकी में मिलते हैं सीधा, और रास्ते में दिखाने के लिए बचा क्या है, कुछ नहीं, गर्मा गर्म रोड है बस। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, नया बाइक के लिए। कौन सा लिया? वो वाली 900। कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी किधर है? बाइक से आओ उसके बाद। कलर तो बता दे। ब्लैक ग्रीन ये वाला। तो डिलीवरी कब है? परसों। अब आओगे उसके बाद? भाई बोले कूलेंट खाली चेक कर दे, लेवल तक ठीक अच्छी की ऑयल ठीक अच्छी इंजन ठीक अच्छी ठीक है। हाँ। एंड कूलेंट का देखा। फुल प्रूफ परफेक्ट। चलो नाइस। ओ भाई साहब आ गए हम लोग कावासाकी से, काम हो गया खत्म। बाइक में कोई इशू नहीं, कूलेंट का लेवल एकदम परफेक्ट है, उसके साथ इंजन ऑयल का लेवल एकदम परफेक्ट है। तो मैं लेके आया था, अगर कम होता तो टॉप अप कर देते, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर पोल्यूशन चेक होता है तो करवा लेते हैं। पोल्यूशन हो ची कौन प्राइस अच्छी पोल्यूशन रो 70 कहते ईयर्स में वैलिड, वन ईयर वैलिडिटी कर दियो तू। हाँ घुमाना पड़ेगा भाई साहब। चलो बाइक भी घुमा दिए। अब भाई कौन दरकार आर्स? तो यहाँ से फोटो ली जा रही है, परफेक्ट। एग्जॉस्ट के अंदर इतना बड़ा वायर घुसा दिया एंड इससे हमारा है ना। चलो थैंक यू। तो यार आरसी आर किसी दरकार नहीं है गला, तो कहते अपन 70। चलो सही है, मिल गया। अरे पास है गला तो ना फेल है गला। एवरीथिंग इज डन, इसको डालते हैं पॉकेट में, कल की राइड में चाहिए ये, इसको बैक सीट के नीचे रखेंगे। चलो थैंक यू, अब यहाँ से निकलते हैं भाई। 1:40 हो गया है, तो मैं पैकिंग करूंगा, कब ये वीडियो एडिट करूंगा और ये वीडियो कब पब्लिक होगा, कब आप लोग देखोगे एंड कब आप लोग सब्सक्राइब करोगे एंड लाइक करोगे भाई, इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई लोग आज का काम खत्म हो गया है, वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फटाफट से कर ही दो। विद दैट सेड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। ट्राई करूँगा मैं वाइजैक वाला ब्लॉग ऑन द वे, मतलब वहाँ पहुँच के एडिट करके अपलोड कर दूँ। अब वो देखते हैं क्या होता है, अपलोड हो गया तो आपको दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, तो कल राइड की सारी अपडेट्स है ना इंस्टाग्राम पे, तो संगे संग आती रहेगी और एक दो यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस भी डाल ही देंगे। विद दैट सेड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।